बॉलीवुड की बाकी फिल्मों की तरह ब्रह्मास्त्र को भी बॉयकॉट किया गया था, लेकिन तब भी ये मूवी इतना अच्छा कलेक्शन कैसे कर पा रही है? क्योंकि बॉलीवुड में जितनी भी मूवी का बॉयकॉट हुआ है वो मूवी बहुत ही गंदी तरीके से फ्लॉप हुई है। लेकिन इस मूवी में ऐसा है क्या जो इतनी चल रही है? देखिए, फिल्म में जो शाहरुख खान का कैरेक्टर है वो लोगों को काफी पसंद आया था, क्योंकि मूवी के आने से पहले शाहरुख खान को हाइड कर रखा था और ना ही इन्हें ट्रेलर में दिखाया गया था। लेकिन इस बात की अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि मूवी में शाहरुख खान भी है, इसी वजह से इस मूवी की हाइप सी बन गई थी। और उसी के साथ साथ इस मूवी का BFX जो कि हर सीन में आपको कुछ ना कुछ चमकता सा दिखेगा। देखो, पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन सिनेमा में इतने हाई लेवल के BFX यूज किए गए हैं, जो कि इस मूवी में एक नया एक्सपीरियंस है। और इस मूवी की स्टोरी भी काफी अच्छी है, लेकिन अगर इस मूवी में लव स्टोरी ना होती तो शायद और भी अच्छा होता, क्योंकि बॉलीवुड में हर दूसरी मूवी में हमें लव स्टोरी देखने को मिलती है। वैसे इस मूवी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।